हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित सिंह है और आज मैं आया हूँ अपने बुढ़नपुर मार्केट में, जहाँ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और भारी मात्रा में पब्लिक उनका इंतज़ार कर रही है। आप देख सकते हैं योगी बाबा मंच पे जा रहे हैं, तो उनके उन्हें देखने के लिए पूरी की पूरी पब्लिक उनके पीछे जा रही है और पूरा रोड जाम है। जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड किया वहाँ पे भी पूरा भीड़ है, लगभग पूरा हाथ जहाँ भीड़ ही भीड़ है। और अभी योगी बाबा का नारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक कितनी आई हुई है। यहाँ का लोकेशन है बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़। और हमारे यहाँ के विधायक के प्रत्याशी हैं प्रशांत कुमार सिंह बीजेपी से और निषाद पार्टी के मेल से। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष अपना दल। हेलो हेलो, यहाँ देखिए ये साउंड भाई खराब होने वाला है, साउंड यहाँ खराब होने वाला है, यहाँ से आप हटाइए, लोगों का साउंड खराब हो रहा है, मेज टूट गया है, आप लोग पीछे हो जाइए, साउंड खराब हो जाएगा। ये बीच में जो माइक का बीच में बोला है बंद करें भाई। आप लोग नीचे उतर जाए, आराम से उतर जाए नीचे। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री से राजेश त्रिपाठी जी, विधायक से महेंद्र पाल सिंह जी,
एक योग्य इंजीनियर है और अपनी वास्तुशिल्पी से हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसे 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री, सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। 300 रुपए पेंशन मिलती थी उस समय, इन्होंने रोक दिया था। हम आए, हमने पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल करने के बाद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की व्यवस्था वृद्धजनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपए सालाना। और हमारा विचार है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान है कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है, नियत साफ होनी चाहिए। एक भैया कैसा आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने विकास कराया। मैंने कहा कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। बैठ गया कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया। हमने गांव गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाई। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है, कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर रखा गया, महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के एक महाप्राकृतिक राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था, वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहाँ पर मंदिरों को तोड़ने के लिए हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने क्या था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेस वे प्रारंभ की। और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर हमने बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया। और जहां पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था, उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, वो देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ श्री गोवेलपुर में निषाद रात की
स्मारक को भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, सुशासन भी लेके आए हैं, और 2017 के पहले जो लोग दंगा करते थे, इन दंगों दंगाइयों पर नकेल भी कसने का काम किया है। किया है कि नहीं किया है? मैं जब यहाँ आया था मुझे बुलडोजर दिखाई दे रहा था। ये सामने तो है, ये बुलडोजर मालूम है, ये विकास का भी काम करता, और माध्यमों के ऊपर जब दौड़ता है ना, सारी अवैध कमाई बाहर निकलने लगती है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण का कार्य क्या सपा बसपा कराती, कांग्रेस कराती? ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले है ना। राम भक्तों की सरकार ही राम मंदिर का निर्माण भी करेगी। और देखिए कितना अच्छा संयोग है, भगवान राम और निषाद राज की भक्तों का मिलन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ करके राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ये विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। यहाँ पे खानदानी लोग आकर के बार बार चुनाव जीतते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं ना, इसको बाहर का रास्ता दिखाई दिया। सपा बसपा के बहुत सारे नेताओं ने तो 10 मार्च के बाद विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है बुलडोजर के भय से। और इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रशांत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, विजयी बनाएंगे। सभी लोग सड़क के उस पार, भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिले में 10 सीटें हैं, 9 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1 पर हमारा सहयोगी दल निषाद पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा आग्रह होगा, वह अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाने में अपना योगदान देंगे। और बाकी मेहनगर से श्रीमती मंजूर सरोज, लालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर, दीदारगंज से कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर, निजामाबाद से मनोज यादव, आजमगढ़ सदर से अखिलेश मिश्रा, मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, सगड़ी से वंदना सिंह, गोपालपुर से सत्येंद्र राय, और अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में श्री प्रशांत सिंह। इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। क्या है? देखो, जब राशन दिया जाएगा तो उसके बाद तो थाली में भोजन के रूप में ही उसको आना है ना। और इसीलिए ये भोजन भरी थाली लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, भोजन भरी थाली पे अतोलिया विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। शर्त एक, अभी प्रचार कार्य बंद होने वाला है 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर। मंचीय वो नहीं होगा, लेकिन कल शाम तक आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत सिंह बनकर के घर घर चला जाएगा ना, और मेरे संदेश को पहुंचा देगा ना कि मुख्यमंत्री भी आए थे, योगी भी आए थे, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनानी है, और इसके लिए प्रशांत सिंह को वोट देना है। भाइयों बहनों, ये जागरण करना, और चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर पहले मतदान, सभी लोग मानेंगे। भोजन भरी थाली में अतरौलिया में श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत।
माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। Hard Modi! Yeah, Jordan.